ये वीरान जगह ना तो कभी इसके बारे में आप लोग सुने होंगे, ना तो कभी इसको आप लोग देखे होंगे। यहाँ रात रात है, दिन में भी परिंदा अपना पैर नहीं रखता। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं पीछे एक बड़ा सा महल दिख रहा है, और ये प्लेस भी बहुत अच्छा प्लेस है जो कि घूमने वाला जगह है। यहाँ पे डेली हज़ारों लोग घूमने के लिए आते हैं। तो ये जगह बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत जगह है जो कि यहाँ पे हज़ारों लोग डेली घूमने के लिए आते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ये प्यारा तो है ही और अमेजिंग जगह है, और इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे मूवी का शूटिंग होते रहता है और सॉन्ग का भी शूटिंग होते रहता है। तो वो कौन सा लोकेशन है इसी जगह पे है, मैं आपको चल कर दिखाऊँगा। वहाँ पे भोजपुरी में एक मूवी आया था, बम बम बोल रहा काशी, उसका सॉन्ग जो शूटिंग हुआ था इसी जगह से शूटिंग हुआ था। और जो दिनेश लाल रहते हैं उसमें एक्टर, तो उसमें एक हीरोइन रहती है आम्रपाली दुबे करके, तो उसका भी दोनों का यहाँ पे सीन लिया गया है, यहीं का टेक है। तो मैं आप लोग को चल के दिखाता हूँ कि कहाँ से वो टेक लिया गया। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑल में प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप लोग देख सकते हैं जो मूवी आया था बम बम बोल रहा काशी, जो कि दिनेश लाल निरहुआ का था, तो उसमें एक सॉन्ग आया था कि फेसबुक पे लाइक बढ़ाओ तो ऐसा करके कुछ सॉन्ग था, आप लोग जाकर सुन सकते हैं। तो उसका शूटिंग पूरा यहाँ से ही शूटिंग हुआ है, आप लोग मैच कर सकते हैं। ऊपर दो गुंबज दिख रहा है और एक छोटा सा गुंबज ये है और ये केवल, यहाँ आप लोग मैच कर सकते हैं। मैं क्लिप लगा दिया हूँ साइड में, यही जगह है। आप पेड़ भी मैच कर सकते हैं, वो वाला पेड़ है और यहीं पर वो पूरा शूटिंग हुआ था। और इसके अलावा और उसके पीछे भी शूटिंग हुआ था, और उधर एक गेट है, गेट मैं आप लोगों को दिखाने जाऊंगा, वो गेट के पास भी शूटिंग हुआ था, आप लोग मैच कर सकते हैं। वही दीवार भी आप लोग मैच कर सकते हैं, यहीं पे शूटिंग हुआ था। ये जगह आप लोग देख सकते हैं, ये इस जगह पे, इसी जगह पे वो लोग डांस कर रहे थे। और कुछ इस प्रकार से यहाँ का दृश्य आप लोग देख सकते हैं। ऊपर का जो गुंबद है देखने से एक पूरा भयानक सा लग रहा है, और ये वाला सीन आप लोग देख सकते हैं कितना अदृश्य दिख रहा है, जो कि एक मूवी में दिखाया जाता है सेम वो लोकेशन है। और यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे मूवी का भी शूटिंग हुआ है, हॉरर मूवी का शूटिंग हुआ है यहाँ पे, तो बहुत सारा पिक्चर शूटिंग हुआ है यहाँ पे। जो डांस हुआ था वो डांस इसी जगह पे हुआ था, जो कि मैंने पीछे का दरवाज़ा बताया वो दरवाज़ा बंद किया गया अभी फ़िलहाल में, और आगे का जो मैंने मेन गेट दिखाया था वहाँ से पूरा टेक लिया गया था, पूरा सीन वहाँ से लिया गया था। और ये आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं, ऊपर आप लोग देख सकते हैं, मतलब गजब का नज़ारा है यहाँ पर, तो ऊपर का भी किया गया है। जब वो सॉन्ग शूटिंग हो रहा था तो इसी जगह से पूरा टेक लिया गया था, आप लोग देख सकते हैं। सेम वही गुंबज है, वही ये गेट है, आप लोग देख सकते हैं गेट का आप लोग डिजाइन भी मैच कर सकते हैं। और इसके साथ बहुत सारा मूवी और बहुत सारा सॉन्ग यहाँ पे शूट हुआ है। और ये वाला आप लोग जगह देख सकते हैं, ये वाला जगह, ये वाला, यहाँ पे दिनेश लाल और आम्रपाली दुबे का डांस होता है, यही जगह है। और सीढ़ी आप लोग मैच कर सकते हैं, ये गेट रहा और ये दीवार है, आप लोग मैच कर सकते हैं। मैं क्लिप में लगा दिया हूँ, यहीं से उस गाने का क्लिप यहाँ से भी लिया गया था, और दूसरा भी क्लिप लिया गया था इसके पीछे से, वो भी चल के मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा। और जो दूसरा क्लिप था आप लोग देख सकते हैं, ये वाला आप लोग खंभा देख सकते हैं, ये वाला आप लोग बोर्ड देख सकते हैं, ये वाला भी बोर्ड उस सॉन्ग में दिखता है, और वो गुंबज है और ये सीढ़ी है, ये भी उसमें दिखता है, जो कि सॉन्ग में जो क्लिप लिया गया था यहाँ से ही, तो पूरा सीन यहाँ का ही था। और ये वाला चीज़ जो कि वो लोग डांस करते हैं, और ये वाला, ये वाला आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ से भी एक टेक लिया गया था, यहाँ से, यहाँ से जो कि दिनेश लाल जो रहते हैं निरहुआ,
तो आम्रपाली दुबे उसमें हीरोइन रहती है, तो वहाँ डांस होता है उस वो गेट जो है ना, वो गेट के सामने डांस हो रहा है। और फिर यहाँ डांस हो रहा था, यहाँ का भी कुछ टेक लिया गया था जो कि कुछ इस प्रकार से इस गुंबज का बनावट जो कि आप लोग देख सकते हैं। एक और आप लोगों को सीन दिखा दूं जहाँ से उसी सॉन्ग में से एक टेक लिया गया था, तो मैं आप लोगों को दिखा देना चाहूँगा कि आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे एक गेट दिख रहा है, बड़ा सा गेट है और वो गुंबज है जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो वहाँ से जो डांस का शुरुआत होता है तो उसी गेट के अंदर से वो लोग डांस करके बाहर निकलते हैं। वो वाला गेट आप लोग देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं आप लोग, सेम वही गेट है और वहाँ पे पूरा डांसिंग का प्रोग्राम चला था। और इसके अलावा और बाहर भी जगह है इसका जहाँ पे सॉन्ग का जो क्लिप लिया गया था, सॉन्ग में जो टेक लिया जाता है। इस किले को जामे मस्जिद के नाम से जाना जाता है। यह जामे मस्जिद चापानेर सुल्तान बेगड़ा द्वारा सन 1509 ईस्वी में बनाया गया था। इसमें हिंदू जैन कारीगरी और वास्तुकला का मिश्रण दिया गया है। जामे मस्जिद की सता आभूषणों में सूरज हीरे मिट्टी के बर्तनों और बेलों और कमल के प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद के निर्माण में सिर्फ और सिर्फ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, न कि इसमें आप लोगों को ईंट का एक भी टुकड़ा देखने को मिलेगा। सन 1509 ईस्वी में लाखों मजदूरों द्वारा इस जामे मस्जिद को बनाया गया और इसके साथ इसका दूसरा भी नाम है जामा मस्जिद, जो कि हम जामे मस्जिद और उसको जामा मस्जिद के नाम से हम जानते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चाहे तो आप शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है, जो कि मैंने आपको वीडियो के प्रीवियस में ही बता चुका हूँ कि वीडियो बनाने में बहुत सारा कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है, बहुत सारा मेहनत लगता है। तो वीडियो को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। जो मेन बात है मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा कि आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारा वीडियो आने वाला है और अच्छी अच्छी जगहों का वीडियो आने वाला है। अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ने में हमारा हेल्प कीजिए। चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए वीडियो के साथ, नए लोकेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा हमको। जय हिंद।